आज हवा में बहुत से अनचाहे तत्व घुल गए हैं जो हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदूषण के असर के कारण हम अनेक बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। अपनी सेहत के साथ समझौता करने की बजाय समाज को एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिससे पॉल्यूशन कम होगा और हम स्वस्थ वातावरण में जीवित रह पाएंगे। पॉल्यूशन कम करने के लिए अवेयरनेस एकदम से लोगों में नहीं आएगी, इसलिए साथ साथ हमें कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जिससे पॉल्यूशन का हमारी सेहत पे बुरा असर ना पड़े। सर्द हवा में मौजूद हानिकारक केमिकल्स ज़्यादा नुकसान करते हैं। पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियाँ, हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ होना, आंखें खुजलाना और आंखों में जलन होना आदि परेशानियाँ आम बात है। इसके अलावा कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जुकाम होना, खांसी, टीबी या गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ। एयर पोल्यूशन के असर को कम करने के कुछ टिप्स। गुड़ और शहद खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इसका यही गुण प्रदूषण के साइड इफेक्ट को कम करने में कारगर है, इसीलिए इसे आज ही अपनी डाइट में शामिल कीजिए। लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। लहसुन की कुछ कलियाँ लें, उन्हें एक चम्मच मक्खन में पका लें। इसे खाने से आधे घंटे पहले और बाद में कुछ न खाएं। प्रदूषण से होने वाले कफ को दूर करने में ये घरेलू उपाय बहुत लाभदायक है। बढ़ते पॉल्यूशन के कारण बार बार जुकाम या इन्फेक्शन हो तो अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद है। एक चम्मच शहद में गुनगुना अदरक का रस मिलाकर 2 या 3 बार पीने से जुकाम की समस्या खत्म हो जाती है। छाती में कफ की समस्या होने पर काली मिर्च को पीसकर चूर्ण बना लें। एक चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाने से फेफड़े साफ रहते हैं और जमा कफ निकल जाता है। डेली अजवाइन की पत्तियां खाने से खून साफ होता है। इसके अतिरिक्त फल और सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए, साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। पॉल्यूशन से बचाओ। वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में जाना हो तो एंटी पॉल्यूशन मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर जाना चाहिए। मास्क को बार बार छूना नहीं चाहिए और एक मास्क को एक बार ही प्रयोग में लाना चाहिए। मास्क का प्रयोग करके आप वायरस और कई प्रकार के इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया से बच सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए घर में एयर फिल्टर मशीन लगवानी चाहिए। इससे सांस की बीमारियां कम होती हैं और घर के बाहर टहलने जब निकलें, जब वायु प्रदूषण का स्तर कम हो। बाहर से घर वापस आने के बाद मुंह, हाथ और पैर अच्छी तरह से साफ जरूर करें। घर के आसपास कूड़े कचरे को ना जलाएं। प्लीज़ ये वीडियो आपके अपनों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।